नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी कि AMCA पर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपका भी सवाल होता है कि AMCA प्रोजेक्ट कब तक बनेगा, कब तक ये अपनी पहली उड़ान भरेगा और कब ये अपने कॉम्बैक्ट रोल दिखाएगा। तो आज इसी को लेकर एक जो अपडेट आया है वो सीधा HAL की तरफ से आया। अब भारत पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम यानी कि AMCA के लिए निजी कंपनियों का सहारा लेगा और इसके लिए HAL कॉर्पोरेट पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम के तहत AMCA परियोजना को आगे बढ़ाएगा। हालांकि HAL और ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी संयुक्त रूप से AMCA कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। ये जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनेगी ये थ्री वे पार्टनरशिप के बीच बनेगा जिसमें HAL, DRDO, ADA और प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स होंगी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान HAL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक R माधवन ने कहा कि HAL और ADA AMCA के डिजाइन के साथ है और हम पहले से ही प्रोडक्शन का काम भी देख रहे हैं। हम एक विशेष वाहन यानी कि स्पेशल व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं। DRDO और एक निजी भागीदार यानी कि एक प्राइवेट पार्टनर इस तरीके के स्पेशल व्हीकल पर काम कर रहे हैं, वो भी एक साथ। अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं की गई है कि AMCA परियोजना में निजी भागीदारों को कैसे चुना जाएगा। एक प्राइवेट पार्टनर को इक्वल स्टेक होल्डर यानी कि समान हितधारक के रूप में निजी भागीदार को शामिल करने का निर्णय भारतीय एरोस्पेस परियोजना में निजी फर्मों के लिए अब तक सिस्टम और सब सिस्टम के टियर लेवल की आपूर्ति तक ही उन्हें सीमित रखा जाता था। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो पहली बार होगा कि एक निजी फर्म हमारी मिलिट्री आर्मामेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी और DRDO के साथ समान वित्तीय और काम के शर्तों पर इसे किया जाएगा। AMCA के ऊपर बात करते हुए R माधवन ने कहा कि अभी ये ड्राइंग बोर्ड पर है और इसका प्रारंभिक डिजाइन पूरा हो चुका है। पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक उड़ान भरेगा। दूसरी बात, जहां तक चौथी जनरेशन की और पांचवी जनरेशन के फाइटर्स की बात है तो बाद वाले एरोडायनेमिक की वजह से स्टील फीचर की जरूरत काफी महत्वपूर्ण हो गई है और इसीलिए हर चीज को एक ही एयरक्राफ्ट में रखना ठीक नहीं है। LCA MK2 और AMCA हमारे पास दोनों किस्मों के 4th+ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी के विमान होंगे और जिन्हें एक दूसरे से बदला भी नहीं जा सकता है। आप अमेरिका का ही उदाहरण देख सकते हैं कि वो F-35 के अलावा अपनी चौथी पीढ़ी के जेट्स भी खरीदता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में रूस के साथ SU-57 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम के साथ भारत ने हाथ खींच लिए थे। भारतीय वायुसेना रूस के साथ इस परियोजना के लिए नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ठोस कदम उठाते हुए इस प्रोग्राम से हाथ पीछे खिंचवा दिए, लेकिन इससे पहले हमारा पैसा डूब चुका था। R माधवन ने कहा कि AMCA सहित तीन अलग अलग नई भारतीय लड़ाकू अवधारणाओं के पहले प्रोटोटाइप 4 साल में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि HAL और उसके साझेदार ADA अगले 3 से 4 सालों में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK2 और एक नए ट्विन इंजन LCA डिराइव डेक बेस्ड फाइटर और AMCA के प्रोटोटाइप पर काम भी कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में HAL और DRDO ने सरकारी मंजूरी के साथ काम किया। ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान के सवाल पर जवाब देते हुए माधवन ने कहा कि पहले LCA MK2 बाहर आएगा और फिर TEDVF और AMCA। 3 से 4 सालों के भीतर ही ये तीनों प्रोटोटाइप सामने आएंगे, इसीलिए 7 से 8 साल में हम इन प्रत्येक विमानों को एयरबॉर्न होने को देख रहे हैं, जो कि एरोनॉटिकल डिजाइन के हिसाब से बहुत ही कम समय माना जाता है। LCA डिराइव ट्विन इंजन फाइटर कॉन्सेप्ट के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एकल इंजन यानी कि सिंगल इंजन LCA नौसेना के लिए विमान नहीं है, यह उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं करता है। प्रोटोटाइप वास्तव में कैरियर लैंडिंग के लिए टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था। नौसेना की जरूरत है ट्विन इंजन वाला विमान, क्योंकि उसके बाद ही वो हथियार ले जा सकता है, क्योंकि लैंडिंग गियर काफी भारी होते हैं। तो एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जिसे हम नौसेना के लिए देख रहे हैं। ADA ने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी महीने उसे मंजूरी भी मिल गई है और 6 से 7 साल में ये सेवा में दिखेंगे। समय और लागत अधिक नहीं होगी क्योंकि विमान डिजाइन में पहला कदम सबसे लंबी अवधि का होता है, यही कारण है कि LCA ने लगभग 30 साल का समय लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अपने डिजाइन प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने सीखा है। उदाहरण के लिए ALH को भी एक साथ रखने के लिए लंबा समय लगा क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल नए थे। उसके बाद LCH, LUH सभी को बहुत ही कम समय में हमने बनाया है। LCA Mark 1, Mark 1A पर माधवन ने कहा कि जहां तक प्रोडक्शन रेट की बात है तो मैं यहां पर साफ कहना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन दर है वो 2 साल पहले का मुद्दा था। FOC की मंजूरी पिछले साल आई थी, हमने 12 महीने के भीतर अपना पहला विमान दिया है। जहां तक संख्याओं का सवाल है तो हमने IOC विमान की डिलीवरी पूरी कर ली है, हमें 16 FOC विमान देने हैं और हम 8 ट्रेनर्स के लिए मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वर्तमान आदेश के लिए हम प्रतिवर्ष 8 से 10 विमान देने को तैयार हैं। हमारा लक्ष्य प्रतिवर्ष 16 विमान देने का है, जिसके लिए एक दूसरी असेंबली पहले स्थापित की जा चुकी है और हम आसानी से हर साल 16 से 20 फाइटर जेट्स सेना को दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई सारी बातें क्लियर हो रही है। सबसे पहले तो AMCA, उसके बाद तेजस प्रोग्राम और उसके बाद जो भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन वाला विमान है, उसकी सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अब HAL को भी लगता है कि अकेले वो AMCA पर काम नहीं कर सकता है, और अगर काम करेगा तो उसको लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस वक्त सख्त से सख्त अपने फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, जिसके लिए हम अभी तक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, यानी कि हम दूसरे देशों का मुंह देख रहे हैं। और ऐसे में अब अगर प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो वो तेजी से विमान प्रोडक्शन को आगे ले जा सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका हो या फिर रूस हो या फिर आपका फ्रांस हो, यहाँ पर भी प्राइवेट फर्म्स सरकार के साथ काम करके अपने प्रोटोटाइप्स को विकसित करती हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनियां अकेले ही अपने प्रोटोटाइप्स, खास करके फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप्स को विकसित करती हैं। तो अगर ऐसे में HAL, DRDO, ADA और प्राइवेट फर्म्स ज्वाइंट कोलैबोरेशन करते हैं तो इसका नतीजा वाकई में भारत के विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। लेकिन यहाँ पर चुनौती भी आपको जानना जरूरी है कि प्राइवेट फर्म्स के साथ भारत को बहुत स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, ताकि ये टेक्नोलॉजी और कई सारी बातें जो होती है वो कहीं और के पास ना शेयर हो जाए। बहरहाल आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लेते हैं, इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।